Hi everyone, welcome back to Let's Learn English with JF YouTube channel. It's me, JF. Today I'm going to teach you the vocabulary that is useful in the month of Ramzan. Mean aaj is lesson mein wo vocabulary, wo words aaj hum seekhenge jo ki Ramzan ke mahine mein useful hote hain, yani jinki istemal hoti hain. So before going ahead in today's lesson, if you're new to my channel, subscribe to my channel and press the bell icon also in order to get latest notification of my videos. And don't forget to like. So, पहला वर्ड है दोस्तों जो हम सीखने वाले हैं, यानी जो सीखने वाले हैं वो है रोज़ा. यानी रोज़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फास्ट. फास्ट यानी रोज़ा. इंग्लिश में रोज़े को क्या कहते हैं? फास्ट. रोज़ेदार को, यानी जो रोज़ा रखता है उसे क्या कहते हैं? फास्ट ऑब्जर्वर. वो आदमी जो रोज़ा रखता है उसे हम फास्ट ऑब्जर्वर कहते हैं. अच्छा, रोज़ा रखने को क्या कहते हैं? ऑब्जर्विंग फास्ट. ऑब्जर्विंग फास्ट का मतलब है रोजा रखना. फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछे आर यू ऑब्जर्विंग फास्ट, आप कहेंगे यस आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट, क्या आप रोजा रखते हैं? हाँ, मैं रोजा रखता हूँ. नंबर थर्ड वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज सहरी. सहरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री डॉन मील. प्री डॉन मील. प्री डॉन मील भी कहते हैं, इसे सहूर भी कहते हैं. प्री डॉन मील का मतलब है सहरी. सहूर का मतलब है सहरी, यानी आप सहूर भी कह सकते हैं या प्री डॉन मील भी कह सकते हैं सहरी को. नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज अफ्तार. अफ्तार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट. नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट का मतलब है क्या? नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट का मतलब है अफ्तार. अफ्तारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट. आर यू गोइंग टू रेडी टू फॉर द नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट because it's time for breaking fast. अच्छा, रोजा खोलने को क्या कहते हैं? breaking fast और opening fast. रोजा खोलना यानी रोजे को तोड़ना, breaking fast और opening fast. इतिकाफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतिकाफ को इंग्लिश में seclusion कहते हैं. seclusion का मतलब है इतिकाफ. इतिकाफ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? seclusion. है ना दोस्तों, बड़ी जबरदस्त वोकैबुलरी. तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें. सो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज सजदा करना. कोटू. प्रोस्ट्रेट. प्रोस्ट्रेट का मतलब है सजदा करना. कोटू का मतलब ही सजदा करना है. सजदा करने को इंग्लिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोस्ट्रेट. कोटू. अच्छा, तस्बीह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेटरनास्टर. रोसरी. पेटरनास्टर भी कहते हैं, रोसरी भी कहते हैं. अच्छा, वजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब्लूजन. अब्लूजन. तो चलो एक एक एग्जांपल दोस्तों बनाते हैं एक एक वर्ड का. डू यू कीप फास्ट, क्या आप रोजा रखते हैं? यस आई डू कीप फास्ट, हाँ मैं रोजा रखता हूँ. क्या आप रोजादार हैं? आर यू ऑब्जर्विंग फास्ट, क्या आप रोजादार हैं? क्या आप रोजा रखते हैं? यस आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट. वेकअप फॉर द प्री डॉन मील और फॉर द सहूर. उठो सहरी के लिए, उठो. कम ऑन मैन वॉक अप, इट्स टाइम फॉर द सहूर. सहरी का टाइम है, उठो भाई. अच्छा, जब अफ्तारी का टाइम हो तो आप क्या कहेंगे दोस्त से? इट्स टाइम फॉर नाइट मील टू ब्रेक फास्ट. एक्सक्यूज मी फ्रेंड, आई एम गेटिंग लेट, इट्स टाइम टू नाइट मील टू ब्रेक फास्ट. राइट, इट्स टाइम टू नाइट फीस्ट टू ब्रेक अ फास्ट. अच्छा, रोजे खोलने को क्या कहते हैं? ब्रेकिंग फास्ट और ओपनिंग फास्ट, यानी रोजा खोलना. जब आपसे कोई पूछे इट्स टाइम, इज इट टाइम टू ओपन द फास्ट और ब्रेक अ फास्ट, तो आप कह सकते हैं यस इट्स टाइम टू ब्रेक अ फास्ट, हाँ ये रोजा खोलने का वक्त है. विल यू सिट ऑन अ सेक्लूजन दिस टाइम, क्या आप इस बार इतिकाफ पर बैठेंगे? इफ यू वॉन्ट टू सिट, अगर आप बैठना चाहते तो यू विल आंसर यस आई एम गोइंग टू सिट ऑन सेक्लूजन दिस टाइम. So the next sentence that you are going to learn, that is about Paternoster, mean rosary. In the month of Ramzan, we are supposed to do so much rosary and we must recite Astaghfar several times in order to get rid of the sins, right? Sajda karne ko. We are supposed to do long prostration. Prostration. We are supposed to do long kotus, prostrations, right? Zyada zyada, yani lambi lambi sajde ko kya kehte hai? Long prostration.
अच्छा, बिफोर गोइंग टू ऑफर योर प्रेयर यू आर सपोज टू डू अब्लूजन, वजू करना जरूरी है नमाज पढ़ने से पहले, या नमाज करने से पहले आपको चाहिए कि आप वजू करें. यू आर सपोज टू डू अब्लूजन फर्स्ट बिफोर ऑफरिंग योर प्रेयर. सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वोकैबुलरी समझ आ गई हो. अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग वोकैबुलरीज या ऐसे सेंटेंस में रमजान में लाने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए यूजफुल हो, ये जो आपकी हेल्प करे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी इन द मंथ ऑफ रमजान. द स्टफ दैट गोइंग अराउंड इन द मंथ ऑफ रमजान, चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द नजर हमें आती है उनके बारे में हम बातचीत करेंगे इंग्लिश में, तो उनके लिए वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है. मैं कोशिश करूंगा वो वाली सारे अल्फाज, वो वाली सारी वोकैबुलरीज आपके लिए लाऊं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. सो टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट मे अल्लाह ब्लेस, थैंक यू एंड बाय बाय.